हेलो एवरीवन। कई बार हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जैसे दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, अध्यापक की हैसियत से मैं पढ़ाता हूँ, दोस्त की हैसियत से उसने मेरी मदद की, भाई की हैसियत से मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बोले, की हैसियत से या के नाते। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि इस सारे सेंटेंस को बनाने के लिए या किस स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोग एक सारे सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें लिखना पड़ेगा स्पीकिंग एंड फिर हमें लगाना है कामा, फिर उसके बाद हमें लिख देना है सेंटेंस हमारा जो भी रहे। देखिए सबसे पहले हमें लिखना होगा एक फ्रेज स्पीकिंग एज की हैसियत से, जिसकी इंग्लिश होती है की हैसियत से या के नाते, की हैसियत से या के नाते। पहले सेंटेंस को ऐसे बनाते हैं, स्पीकिंग एज लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस हम राइट कर देंगे। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर की सहायता से सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो हम लोग कैसे बोलेंगे दोस्त की हैसियत से, हम तो लिखेंगे स्पीकिंग एज। पहले हमें लिखना है स्पीकिंग एज, फिर दोस्त है तो स्पीकिंग एज फ्रेंड, दोस्त की हैसियत से हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो क्या हो जाएंगे, कामा देंगे, आई मदद करता हूँ, आई हेल्प यू। तो देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्पीकिंग एज फ्रेंड, दोस्त की हैसियत से स्पीकिंग एज फ्रेंड आई हेल्प यू, आई हेल्प यू स्पीकिंग एज फ्रेंड आई हेल्प यू। अगला सेंटेंस है अध्यापक की हैसियत से मैं पढ़ाता हूँ, तो क्या बोलेंगे स्पीकिंग, हम लोग पहले लिखेंगे स्पीकिंग एज, अब फिर अध्यापक की हैसियत से या अध्यापक के नाते तो हम लोग लिखेंगे स्पीकिंग एज टीचर, स्पीकिंग एज टीचर। फिर हमें लगाना है कामा, फिर मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच। तो देखिए दोस्त की हैसियत से या आप लोग बोल सकते हो सॉरी अध्यापक की हैसियत से या अध्यापक के नाते मैं पढ़ाता हूँ तो स्पीकिंग एज टीचर आई टीच, या बोल सकते हैं आप लोग अध्यापक के नाते मैं पढ़ाता हूँ तो बोलेंगे, तब भी उसकी इंग्लिश सही होगी स्पीकिंग एज टीचर आई टीच। दोस्त की हैसियत से उसने मेरी मदद की तो यहाँ लिखेंगे स्पीकिंग एज, अब यहाँ पे भी दोस्त है तो दोस्त की फ्रेंड, दोस्त की हैसियत से या दोस्त के नाते या की हैसियत से वाले सेंटेंस को हम स्पीकिंग एज से बोलते हैं। फिर उसने मेरी मदद की, यह हमारा सेंटेंस पास्ट इन्फिनिट का है तो हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें यूज करेंगे, तो उसने मेरी मदद की तो सी, या आप चाहे तो ही भी लिख सकते हो, ही या सी दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। फिर हेल्प्ड मी, तो देखिए दोस्त की हैसियत से उसने मेरी मदद की तो बोलेंगे स्पीकिंग एज फ्रेंड सी हेल्प्ड मी, या आप लोग बोल सकते हो दोस्त के नाते उसने मेरी मदद की तो बोलेंगे स्पीकिंग एज फ्रेंड ही हेल्प्ड मी। अगला सेंटेंस है भाई की हैसियत से मैं तुम्हें पैसे दूंगा या भाई के नाते मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो कैसे बोलेंगे स्पीकिंग एज भाई के नाते ब्रदर, स्पीकिंग एज ब्रदर। फिर कामा दे देंगे, फिर लिखेंगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो क्या बोलेंगे आई, चूंकि हमारे सेंटेंस फ्यूचर में है तो आई के साथ विल का यूज करेंगे, आई के साथ शैल का यूज होता है, लेकिन जब कोई हमें कोई काम दृढ़ता दिखाना पड़ता है, अवस्थ दिखाना पड़ता है तो वहाँ पे आई के साथ विल का यूज करते हैं, आई विल गिव यू मनी। तो देखिए भाई की हैसियत से या भाई के नाते मैं तुम्हें पैसे दूंगा, स्पीकिंग एज ब्रदर आई विल गिव यू मनी, स्पीकिंग एज ब्रदर आई विल गिव यू मनी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।
आप लोगों ने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या आप लोग एक दो सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर सकते हैं? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस प्रकार के सेंटेंस को सीखते रहें।